6000 रुपये लेके हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। हमारे इस ट्रेडिंग जर्नी पे कौन से मेरे को प्रॉफिट होता है, कौन से मेरे को लॉस होता है, मेरे ट्रेडियो के पीछे क्या लॉजिक रहता है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। एंड इस 6000 रुपये को मैं जो है 6 लाख तक लेके जाने वाला हूँ। एंड ये हमारा इस ट्रेडिंग जर्नी का एपिसोड नंबर है 130। एंड आज के दिन हम लोग कौन सी जगह पर प्रॉफिट या लॉस करने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। बट उससे पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अपने ओर से एक छोटा सा लाइक कर देना। एंड कोई भी भाई अगर चैनल पर नए हो, आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी ट्रेडिंग सीरीज पसंद आ रहा है, देन आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे ये टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। तो लास्ट डे हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया था। एंड उसके बाद हमारा कैपिटल जो था वो है 11,850 रुपये। ऑलमोस्ट मैं 6000 से स्टार्ट किया था, 130 दिन लग गया मेरे को इसको ऑलमोस्ट डबल करने में, अभी तक डबल हुआ नहीं है। 12000 में अभी तक टच नहीं किया हूँ, 11,850 पे खड़ा हूँ। बहुत मेहनत लगा, लेकिन आई होप कि इसके बाद मतलब मुझे 6 को 12 करने में जितना टाइम लगा, 12 को 24 करने में उससे कम टाइम लगेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं एकदम बहुत करीब हूँ 12000 टच, मतलब अपना कैपिटल को डबल करने का ना बहुत ज़्यादा करीब हूँ, एकदम पास में हूँ। देखते हैं कब तक हो जाता है, कितने दिनों में मैं कर पाता हूँ। अभी तक तो डबल हुआ नहीं है, बट होप कि जल्दी हो जाएगा, 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आई होप कि हो जाएगा, अगर ये बड़ा लॉस ना हो जाता है तो। बड़ा लॉस तो वैसे तो मैं लेने का कोशिश नहीं करता हूँ, मतलब ज़्यादातर संभव अवॉइड ही करता हूँ, बट कभी कभार हो जाता है, समझ रहे हो, ना चाहते हुए भी हो जाता है, ऐसा सीन होता है। तो देखो आज मतलब लास्ट डे हम लोगों ने प्रॉफिट किया था 300 का। एंड उसके बाद हमारा कैपिटल ये बना था। जिनको नहीं पता एक बारी मैं बता दूं कि मैं बहुत छोटा सा एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फॉलो करता हूं कि 300 का प्रॉफिट एंड 150 का लॉस, मतलब मेरा 300 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं और कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं, और मेरा 150 का लॉस हो जाता है तो भी मैं और कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं। एक दिन में ये चीज़ को मैं फॉलो करता हूं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये 12000 जो मेरा कैपिटल डबल हो रहा ना, कैपिटल डबल होने के बाद थोड़ा सा 1000 और, मतलब 13000 मेरा कैपिटल बन जाने के बाद से मैं अभी 2 लॉट से निफ्टी में, मैं बेसिकली निफ्टी ट्रेड करता हूं, बैंक निफ्टी नहीं करता हूं, निफ्टी में मेरा ज़्यादा सही लगता है मेरे को, ठीक है, बाकी तो अपना अपना पर्सनल चॉइस रहता है, निफ्टी मुझे ज़्यादा सही लगता है। एंड यहाँ पे मैं 2 लॉट से करता हूँ। एंड जैसे 13000 हो जाएगा, मैं जो है ना इस लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, 4 लॉट से ट्रेड किया करूँगा। एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड को भी इंक्रीज़ करूँगा 600 एंड 300 में, मतलब 600 का प्रॉफिट एंड 300 का लॉस इसमें, ऐसा मैं सोचा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, कितने दिन में होता है, ऐसा मेरा फिलहाल प्लान्स है। ओके चलो अब बताते हैं कि आज के दिन कहाँ पे मैंने ट्रेड किया, और मैंने इसी कैपिटल के साथ आज ट्रेड किया, ठीक है। तो पिछले 3-4 दिन से अगर मार्केट को हम लोग देखें तो मार्केट एकदम बेकार सा मार्केट देखने को मिल रहा है, साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी मैंने लास्ट 2 दिन में जो है प्रॉफिट बनाया है। एंड आज के दिन, आज के साइडवेज मार्केट में मैंने कहाँ पे ट्रेड किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए आज का मार्केट में ना मोमेंटम तो था नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में एक हम लोगों को मूव देखने को मिला था, मार्केट एकदम से नीचे आया फिर नीचे से रिकवर करके ऊपर गया। पता नहीं मार्केट मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा, मतलब पिछले 2 दिन से समझ नहीं आ रहा मार्केट करना क्या चाह रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, एक ही जगह पे गोल गोल घुमा रहा है, ये सीन चला। अच्छा अगर हम लोग देखें तो ऊपर जा रहा है लेकिन बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, पता नहीं कब गिरेगा या फिर क्या होगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग नोटिस करें तो देखो एक ही रेंज के अंदर हम लोगों को पूरे आज के पूरे दिन के कैंडल्स देखने को मिला। आज एंड के वक्त थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन वो भी नहीं कर पाया। चलिए अब चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड वगैरह लेता हूँ ना वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लेता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मार्केट जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फॉलिंग दिखाया अच्छा खासा, फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे वेट किया, एंड वेट करने के बाद यहाँ से मार्केट जो एक अच्छा खासा अप मूव दिया, देन यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो मेरा सेटअप तो हालांकि इस जगह पे बन रहा था लेकिन बहुत रिस्की था, क्योंकि इतना बड़ा इतना अच्छा जो है सेलिंग के बाद ऊपर से स्ट्रेट लाइन को भी हल्का सा ब्रेक कर रहा था, एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे बाइंग करने का हिम्मत नहीं आया। मेरा सेटअप हालांकि बन रहा था लेकिन थोड़े बहुत प्राइस एक्शन देखने के बाद मुझे यहाँ पर बाई करने का हिम्मत नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको अवॉइड किया। एंड देन मुझे बाकी पूरे ही साइडवेज मार्केट में कहीं पर भी मुझे अपना सेटअप नहीं मिला। फिर मैं वेट किया, वेट करने के बाद 3 PM के आसपास, 3 PM पर मुझे एक सेटअप दिखा लेकिन वो भी कन्फर्म वाला सेटअप नहीं था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर बैठा। क्या गड़बड़ी कर बैठा, मैं इधर लेके चलता हूँ जहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट मुझे साथ साथ मिलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का देखो 3 PM वाला कैंडल आप लोग देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, एंड बैंक निफ्टी पे वहीं पे ऊपर से रिजेक्शन लिया। जैसे ही ये कैंडल ऊपर गया एंड ऊपर से हल्का सा रिजेक्शन टाइप ले रहा था, उतने में मैंने देखा कि बैंक निफ्टी इतना तक रिजेक्शन ले चुका था, तो मैंने फटाफट से इस जगह पे ना पी वाई कर लिया। एंड लेकिन फिर भी मेरे साथ थोड़ा सा हल्का सा स्कैम हो गया। कैसे स्कैम हुआ वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। देखिए मैंने ओनली एक ही ट्रेड किया, मैंने ओनली आज एक ही ट्रेड किया, और मैं अपना पहले सबसे पहले ऑर्डर बुक पे लेके चलता हूँ। ऑर्डर बुक पे अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ट्रेड बाय किया 127 पे और सेल किया 124 पे, मतलब मेरा आज SL8 हुआ है। मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या यूज़ किया था 23,500 का, 23,500 का ये है चार्ट, प्रीमियम का चार्ट। यहाँ पे मैंने मेरा एंट्री का टाइमिंग देखो, एंट्री का टाइमिंग क्या था मेरा, 3:01 पे,
3:01 पे मेरा एंट्री हुआ था, 3:01 पे, मतलब इस वाले जो ग्रीन कैंडल है इसमें मैंने एंट्री किया था 127 पे। मेरा व्यू क्या था, यहाँ से 127 से मेरा टारगेट था 133 तक का, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एक टारगेट था, छोटा सा मतलब वही जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 300 का प्रॉफिट चाहिए रहता तो उस हिसाब से। और मेरा SL था 3 पॉइंट का, नहीं मैंने पहले स्टार्टिंग में 4 पॉइंट का SL रखा था, 123 तक का मैंने अपना SL रखा था। ऐसा इसलिए रखा था क्योंकि मेरे ट्रेड में एंट्री करते 124 के आसपास चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी से जो है मेरा SL हिट हो जाएगा, इसलिए मैंने 123 पे मैंने अपना SL पहले रखा था। फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया, एंड यहाँ पर आप लोग देखो ये जो तीन बज के 5 मिनट वाला जो कैंडल है, 3:05 वाला कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। मतलब हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इस पे बात करें, चार्ट पे बात करें, मेन चार्ट पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो 5 मिनट वाला जो कैंडल है वही ने, उसी ने सबसे ऊपर तक हाई लगाया, यहाँ तक इसने हाई लगाया। लेकिन इसके बाद वाला जो रेड कैंडल है, मतलब 3:06 वाला जो कैंडल है, उस वाले कैंडल पे क्या हुआ, वो वाला कैंडल उससे मतलब उससे पहले वाला कैंडल जहाँ तक गया था हुआ था, गया भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रीमियम के ऊपर देखो सेकंड वाला कैंडल 3:05 वाला कैंडल ने ज़्यादा लो लगाया। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, जैसे कि इस वाले कैंडल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इस वाले कैंडल में मार्केट ऑलमोस्ट गया था 126 तक का, मैंने अपना SL को 124 पे ट्रेल कर दिया था। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया मेरा लॉस लेने का कैपेसिटी है 150 रुपीज़ ही, बट मैं 200 रुपये का SL लेके चल रहा था, तो इस वजह से मैंने 1 पॉइंट अप कर दिया, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मैं 123 पे रहता तो भी मेरा SL हिट होता, क्योंकि इस कैंडल में नीचे आके मार्केट यहाँ पे SL तो हिट कर ही दिया। यही था मेरा आज का ट्रेड, इसमें मेरा SL हिट हुआ, मैंने 123 को 124 कर दिया था, मतलब 1 पॉइंट जो मैं बचा सकता था वो बचा लिया, एंड मेरा SL हिट हो गया अगले ही कुछ मिनट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 मिनट पे, 3:05 वाला कैंडल पे, इस वाला कैंडल पे मेरा SL हिट हो गया और मैं मार्केट से बाहर हो गया, और मुझे आज 150 का लॉस मिला। ठीक है, मेरा लॉस मतलब मेरा रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ही फिक्स्ड है, तो मतलब फिक्स रखने का मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभार किसी किसी दिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अचानक से यहाँ पे मैंने एंट्री किया सीधा 6 पॉइंट का कैंडल बन गया, उस केस में क्या ही कर सकते हैं, मुझे जितना जितना लॉस दिख रहा है उतना ही बुक करके आना पड़ता है। तो एकदम 100% फिक्स तो कुछ भी नहीं होता इधर, लेकिन फिर भी अपने साइड से जो भी होता है मैं कोशिश करता हूँ। ओके, ये था मेरा आज का ट्रेड, एंड मेरा टोटल लॉस आप लोग देख सकते हो, पोजिशन में दिखा देता हूँ 150 का। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, यही ट्रेड में अगर Zerodha या धन के थ्रू लेता मेरा टोटल लॉस बनता 200, क्योंकि 50 रुपये ब्रोकरेज भी लग जाता, और मैं ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ M-Stock में ब्रोकरेज बिल्कुल भी फ्री है। तो आप में से कोई भाई अगर बिगिनर हो देन आप लोग M-Stock यूज़ कर सकते हो, अगर ब्रोकरेज से आप परेशान हो तो, क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं 300 का प्रॉफिट 150 का SL लेकर चलता हूँ, यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, किसी दिन गलती से मैंने 2 ट्रेड कर लिया तो 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो मैं कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करूँगा, कर ही नहीं पाऊंगा ना, तो इसलिए मैं M-Stock चूज़ किया। बाकी आप लोगों का मर्जी है, सबका अपना अपना चॉइस रहता है। वैसे M-Stock के बारे में सच बताऊँ तो इस ऐप में कोई भी लैग या किसी भी प्रकार का परेशानी देखने को नहीं मिलता है, कोई भी ऑर्डर वॉर्डर एग्जीक्यूशन वगैरह में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, इसमें खाली एक ही इशू देखने को मिलता है, कभी कभार चार्ट जो है इसका प्रॉब्लम करता है, चार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो उसके लिए मैं Zerodha यूज़ कर लेता हूँ, Zerodha में अकाउंट तो है ही, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आपका अभी करंट जो ब्रोकर है, अगर ब्रोकरेज से परेशान हो तो करंट जो ब्रोकर है उसका चार्ट देख लो, एंड ट्रेड लेने के लिए M-Stock यूज़ कर लो, ऐसा आप लोग कर सकते हो अगर आप परेशान हो तो। इस वैसे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे फ़ायदा होता है तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, बस आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों का आज का दिन कैसा गया, आज का आप लोगों का PNL कैसा है, रेड या ग्रीन जो भी है कमेंट करके बताओ, और कितना ग्रीन है कितना रेड है वो भी कमेंट करके बताना। आगे मिलता है फ्रेश न्यू वीडियो से, तब तक के लिए स्टार्ट एंड बाय।